यहाँ पर देख सकते हैं भारती एयरटेल के बारे में बात करेंगे और इसका पूरा ओवरव्यू देंगे और इसका टेक्निकल एनालिसिस दिखाएंगे क्या कहता है इसका चार्ट। फिलहाल के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करें यहाँ पे 52 वीक हाई लो की, यहाँ पर देख सकते हैं 900 के आसपास है, यहाँ पर देख सकते हैं 1800 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर कह सकते हैं शेयर का दाम 2 गुना हो गया। और बात करें इसका इसमें होल्डिंग कितना है और बाइंग कितना है, यहाँ पर 77% यहाँ बाइंग है, यहाँ पर होल्डिंग देख सकते हैं 12% है, सेलिंग भी 12% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज फंडामेंटल पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखने मिल रहा है मार्केट कैप तो काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। यहाँ पर फेस वैल्यू देख सकते हैं, बुक वैल्यू देख सकते हैं गाइज, इंडस्ट्री पी देख सकते हैं, आरओई देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ सही है। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल बात करें तो यहाँ पर ईयरली आती है, यहाँ पर 20 से लेकर 24 तक यानी 5 साल का डाटा है, जो कि रेवेन्यू काफ़ी अच्छे नंबर में इंक्रीज हो रहा है ईयर बाई ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और यहाँ पे बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हैं, भर भर के 2020 में 2021 में लॉस हुआ था कोरोना के टाइम, यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर किया लेकिन उतना भी नहीं किया कि आप इस पर अभी उतना ट्रस्ट कर सकते प्रॉफिट का। और लेकिन बात करें यहाँ पर देख सकते गाइज नेटवर्थ को, नेटवर्थ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर में इंक्रीज की हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ भारतीय एयरटेल के बात करें कि कौन कौन इसमें अभी शेयर होल्डिंग करके रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर भी रखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूट भी रखा है, म्यूचुअल फंड भी रखा है, डोमेस्टिक भी रखा है और रिटेलर भी रखा है, तो गाइज काफ़ी अच्छी बात। और यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में कौन कौन इन्वेस्ट करके रखा है, यहाँ पर देखिए सर 4-5 स्टॉक कंपनी यहाँ पे रखा है, जो कि काफ़ी। और यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो, और यहाँ पे चार्ट पे आते हैं आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले गाइज यहाँ पे चार्ट पे आ चुके, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ गाइज नीचे से, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी टाइम से मार्केट ट्रेंडिंग में, अप ट्रेंडिंग में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बात करें यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर रिटेस्ट करने आ रहा है, अगर फिर से इस लाइन को टच करता है यानी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बनाने का मूड में है, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे सपोर्ट बनाने का मूड, अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा और काफ़ी अच्छे और न्यू हाई बनाएगा। और यहाँ पे बात करें ट्रेड लेने के लिए क्या लॉजिक होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज 1600 के आसपास यहाँ पर बाइंग करेंगे और यहाँ पर छोटा सा एस एल लगा के यहाँ पर 1580 के आसपास लगा के और यहाँ तक 1800 के आसपास टारगेट बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहेगा टारगेट बनेगा। तो इस टाइप को वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, इस टाइप का अपडेट हमारे चैनल पर पहले मिलता है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।